के साथी आज अभी भी 41 जो वर्कर्स हैं उन्हें नहीं निकाला जा सका है मैनुअली ड्रिलिंग की बात की जा रही है मशीन के ब्लेड टूट गए हैं तमाम अर्चने आ रही हैं क्या करेंगे दुर्भाग्यपूर्ण है आज अगर वही एस्केप रूट जो प्लान में था अगर बना दिया जाता तो आज जो नवंबर 12 से ये लोग फंसे हुए हैं और हर कोशिश अब की जा रही है उनको बचाने की ये नौबत ही नहीं आती मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ कि हमारे देश में इंसान की जान इतनी सस्ती है कि हर नियम कानून का पालन नहीं करते हैं उल्लंघन होता है और इस उल्लंघन की वजह से आज ये हादसा सामने आया है जो लोग इसके पीछे शामिल हैं जिन्होंने नियम कानून का पालन नहीं किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और साथ ही साथ पूरी कोशिश उनको उनके देख रेख में और उनको बचाने में और उनको वापस घर पहुंचाने में आ, सरकार की होनी चाहिए और केंद्र सरकार की भी एबीपी गंगा खबर आपकी जुबा आपकी